हेलो व्यूअर्स, आई एम परिहा आसिफ और आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूँगी दैट इज़ क्वेश्चनेयर फॉर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा, यानी जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए एम्बेसी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज तो उनके लिए ये होता है कि उनको एडमिशन लेना है अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंडली, उनको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एडमिशन के लिए ज़रूरी हैं। जब वो एम्बेसी जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए किस तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें हैं जो कि चैलेंजेस की सूरत में किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को एज वेल एज नेशनल लेवल पर भी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट एज क्वेश्चंस कैटेगरीज, हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो उनकी कैटेगरीज हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। नंबर वन इज डिसीजन ऑन द फॉलोइंग स्टडीज इन जर्मनी, नॉलेज अबाउट जर्मनी, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर स्टडीज इन जर्मनी, करंट एकेडमिक एंड स्किल्स लेवल, करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटस, कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी लेवल, स्टडी फील्ड, एकोमोडेशन इन जर्मनी, हॉलीडेज एंड सेमेस्टर ब्रेक, एंड द लास्ट वन इज प्लान्स फॉर द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई स्टडी इन जर्मनी, क्या आप जर्मनी में ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं? तो इसका जो अगर वाइजली आंसर दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि जर्मनी दुनिया के उन तीन ममालिक में से एक है जो कि बहुत हाई क्वालिटी बेस्ट एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और सबसे बेहतर आंसर ये हो सकता है कि सबसे लो फी या नो ट्यूशन फी जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो दिस वुड बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why this city of Germany or any knowledge of this city? क्या आपने इस सिटी को क्यों चूज़ किया या इस सिटी के बारे में आपको क्या नॉलेज है? तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि जो मेरी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी थी या जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो इस सिटी में, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। और जहाँ तक क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी नॉलेज फॉर दिस सिटी, तो इसके लिए आपको खुद अपना थोड़ा सा आप कह लो एनर्जी लेवल शो करना है कि यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस सिटी विद द स्टडी एज वेल, कि आप स्टडीज भी करोगे प्लस सिटी को भी एक्सप्लोर करोगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर रखना होगा। इंटरनेट के थ्रू आप चेक कर सकते हो जर्मनी की जिस सिटी में आप जाना चाहते हो वहाँ पे कौन से साइट सीइंग स्पॉट्स हैं, कौन से ऐसे लैंडमार्क्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो दिस वुड बी द बेस्ट आंसर आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू चूज दिस कोर्स, क्या आपने यही कोर्स को क्यों चूज़ किया, कि क्या ये आपकी पास्ट स्टडी से रिलेटेड है या नहीं? अगर तो ये आपकी पिछली स्टडी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि चूँकि ये बहुत हाई रैंकिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है और मुझे इसमें प्रैक्टिस का बहुत मौका मिलेगा, रिसर्च लेवल बहुत हाई होगा और बहुत कुछ जो आप चाहें उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोर्स जो आप करना चाह रहे हैं दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर पास्ट स्टडी, रिलेट नहीं करता, आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो, तो उसकी रीजंस आपको डेफिनेटली मैंशन करनी है वहाँ पर। तो वो रीजंस क्या हैं कि आपने ये बताना होगा कि मैं चूँकि ये इंटरनेट लेवल पर रिसर्च कर चुका हूँ इस प्रोग्राम को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँ और ये कोर्स ही मुझे अपने फ्यूचर लेवल एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करता नज़र आता है, मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया है। तो दिस इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ डिड यू फाइंड अबाउट इट, कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है, आप कोई और यूनिवर्सिटी भी तो चूज़ कर सकते थे। तो इसका जो आंसर आपको देना चाहिए वो ये है कि
इसके जो प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और रीच स्टडी प्रोग्राम और नॉन एक्सपेंसिव स्टडी कॉस्ट है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आपको फील हुआ, एकेडमिक स्टाफ और इसके अलावा जो आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा करंट एकेडमिक एंड स्किल्स लेवल, यू हैव टू टेल अबाउट दिस, आपकी जो एकेडमिक और स्किल्स लेवल है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको अपना जो GPA है स्कोर और GMAT स्कोर है या TOEFL स्कोर है वो आपको अपना डेफिनेटली वहाँ पे बताना है एम्बेसी में, और इसके अलावा कोई भी ऐसी रीज़न कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और क्यों मिली है, रीज़न उसके क्या हैं, आपके स्कोर्स हैं और एनी अदर रीज़न, तो यू हैव टू डिस्कस दैट, आपको लाजमी वहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटस, कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है। तो इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं बिकॉज ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि आपके फादर, आपका भाई या मदर आपका स्पॉन्सर है, और इसके अलावा आपने स्टडी लोन लिया है या आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, या फिर आपने जो है अपने पैसों को जमा किया है या डिपॉजिट किया हुआ है अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए एज अ सिक्योरिटी पेमेंट, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, दैट इज़ अ ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट विच इज़ कॉल्ड पर कॉन्टो, राइट। व्हाट इज़ ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट, ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा और बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो उसको मैं ईजीली एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकती हूँ कि ब्लॉक अकाउंट जो है ये एक स्पेशल टाइप है बैंक अकाउंट की, जो कि जर्मनी में है एंड दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, राइट। इसके लिए प्रूव करना होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए दैट आर इनफ टू लिव इन जर्मनी फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, ठीक है। जो कि स्टूडेंट वीज़ा लेकर जाते हैं उनके पास एक साल के लिए, मिनिमम एक साल के लिए इनफ अमाउंट मौजूद है बैंक में ताकि वो वहाँ पर रह सकें और उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इसके लिए जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट जो ओपन करना होता है वो फेंतबा में या फिर डोचे बैंक में आपको करना होता है। आई थिंक काफ़ी हद तक ब्लॉक बैंक अकाउंट के बारे में क्लियर हो गया, और अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकोमोडेशन इन जर्मनी, कि हम जर्मनी में जा रहे हैं तो हमें कैसे रहना है, कोई भी स्टूडेंट जर्मनी जाएगा तो वो कहाँ पर रहेंगे, सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे रहने की, जिसमें प्राइवेट एकोमोडेशन भी मिलती है, हॉस्टल्स भी हैं, शेयर्ड रूम्स भी हैं, इसके अलावा अपने रिलेटिव्स की तरफ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा मैसी में कि आपको कहाँ पे रहना है। लेकिन अगर आपको किसी रिलेटिव की तरफ रहना है या जो आपका पूरा प्लान है वो किसी के पास, किसी स्पॉन्सर के पास रहने का है, तो डेफिनेटली आपको उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं हो कि जिसके पास आप जाके रह सकें, तो आपको जिस हॉस्टल में या होटल में रहना है वहाँ की रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स और उनका एड्रेस वो सब आपको वहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप हॉलीडेज में या सेमेस्टर ब्रेक में क्या करें। तो एक बात इसका आंसर करते हुए आपने हमेशा याद रखना है कि आपने हरगिज़ अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना है कि वॉन्ट टू डू जॉब दे, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जो वीज़ा लेते ही इस पर्पज़ के लिए हैं कि वहाँ पर जाकर जॉब कर लेंगे, वो हर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी स्टडीज़ के लिए। तो काइंडली अगर आप
स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो इस चीज़ को हरगिज़ मेंशन ना करो कि आपको वहाँ पे जाके जॉब करनी है. कि अगर आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, आपको हॉलीडेज होती हैं, तो यू वॉन्ट टू गो बैक टू योर होम कंट्री एंड यू वॉन्ट टू मीट विद योर फैमिली मेम्बर्स. आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, आप स्टडीज के लिए जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन सेमेस्टर ब्रेक हॉलीडेज में आप प्रेफर अपनी फैमिली से मिलना ही चाहिए. और दूसरा ये कि अगर आप अपने जॉब के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करोगे तो इससे ये इंप्रेशन भी आता है कि आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि आप अपने जो एक्सपेंस है उसको मीट कर सको, आप अखराजात को पूरा ना कर सको, तो एक ये इंप्रेशन भी आता है. तो इट्स बेटर कि आपको अपने आंसर्स को बहुत डेफिनेट रखना है, वहाँ पे बहुत क्लियर रखना है अबाउट योर स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर प्लान्स ऑफ फ्यूचर. तो ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है और मैं अगेन इसको डिस्कस कर रही हूँ कि आपने हरगिज़ अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना तो भी जॉब दे. ओके, यू वॉन्ट टू गो बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर स्टडीज और वहीं पर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है और कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड रहा है, राइट? तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे वापस जाके अपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, वो सब अपनी होम कंट्री में करना है. नेक्स्ट है, डू यू प्लान टू वर्क देयर. कि आप जर्मनी में काम करना चाहते हो या नहीं, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी, किस तरीके से आपने वहाँ पर अपने मार्क्स गेन किए हैं, आपका वीज़ा टाइप क्या है. तो ये सब चीज़ें इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं कि आपको वहाँ पर जॉब करनी है या नहीं करनी है. बट एनी हाउ आपको अपना मेन फोकस जो है अपना स्टडीज पर ही रखना है, नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड. ठीक है, गुड लक फ्रेंड्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. और मैं लास्ट में बस एक ही बात कहूँगी, वो ये कि इंसान के हाथ में अल्लाह ने, हमारे खुदा ने कोशिश और मेहनत रखी है, नतीजा या रिजल्ट हमारा खुदा ही हमें देता है. तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, रिजल्ट आपको आपके खुदा ने देना है.